लालची बाप ने 50,000 रुपए में अपनी नाबालिग 15 वर्ष की बालिका का रिश्ता एक अधेड़ से पक्का कर दिया। लालची पिता की करतूत की पोल नाबालिग लड़की के भाई बहनों ने ही खोल दी। मौके पर पहुंचकर अधिकारियों ने तत्काल एक्शन लिया। मामला रायसेन कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। नाबालिग लड़की को हल्दी लग चुकी थी, शादी की आधी रस्में अदा हो चुकी थी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, चाइल्ड लाइन और ऊर्जा महिला डेस्क की महिला पुलिस कर्मियों ने नाबालिग लड़की से पूछताछ की तो उसने बताया, पढ़ाई करना चाहती हूँ, शादी क्या होती है मुझे नहीं मालूम। नाबालिग लड़की को जहाँ तक पता नहीं था कि शादी कहाँ और किसके साथ हो रही, उसको जबरन दुल्हन बनाया जा रहा था। नाबालिग का पिता शराब का आदी है, मारपीट करता है। फिलहाल अधिकारियों ने नाबालिग को शादी से बचा लिया है। आदर्श न्यूज के लिए रायसेन से अजय गोही की रिपोर्ट। से एक मैडम आई थी, साथ में सुपरवाइजर जो थी वहाँ की महिला बाल विकास अधिकारी की सुपरवाइजर थी, उनके माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 5/4/2021 को एक लड़की 15-16 साल की रायसेन की ही, उसके द्वारा सूचना मिली कि यहाँ पर शादी हो रही है जो कि मेरी मर्जी के खिलाफ हो रही है। मैं नहीं चाहती हूँ शादी, मैं ही पढ़ना चाहती हूँ, लिखना चाहती हूँ, मैं कुछ बनना चाहती हूँ। जिसके बाद हम लोग सूचना जैसे उसकी तस्दीक हेतु रवाना हुए टीम के साथ, वहाँ पर जाके देखा तो शादी की तैयारियाँ हो रही थी, लेकिन उनके द्वारा ये कहा गया कि मैडम हमें सूचना मिल चुकी थी कि बच्ची ने शिकायत कर दी, उसके बाद हमने शिकायत वहाँ से हमारी बेटी की जो शादी होनी थी उसको रद्द कर दी है, आगे हम कोई शादी नहीं करेंगे, हम इसको जब तक 18 अबव नहीं हो जाएगी हम शादी नहीं करेंगे। मैम जानकारी मिली है कि बच्ची अभी मतलब पढ़ाई कर रही है, तो ऐसे में उसकी पढ़ाई के लिए शासन द्वारा कोई थी बाल कल्याण विभाग द्वारा या किसी तरीके से सहयोग उसको, उससे हेल्प की बोला था कि आपको अगर कोई चीज़ की हेल्प लगे तो आप तुरंत हमें सूचना करिए, उसको यहाँ का महिला हेल्पलाइन जो ऊर्जा हेल्प डेस्क का नंबर है उसको देकर आए हैं कि आपको जो भी लगे आपकी ज़रूरत आप हमें दीजिएगा, हम महिला हेल्पलाइन से बात करेंगे और आपको व्यवस्था करेंगे। क्या नाम जी? रंजन ऋषभ।